मेरे पीछे आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, यह क्षत्रिय योग संघ द्वारा संचालित मीरा गर्ल्स स्कूल है। मीरा गर्ल्स स्कूल क्षत्रिय युवक संघ की आनुवंशिक संगठन दुर्गा विकास महिला संस्थान इसको चलाता है, और ये स्कूल अंग्रेजी माध्यम से हैं और आवासीय विद्यालय है। यानी आपकी यदि बच्चियाँ यानी आपकी बेटियाँ शहर में जाकर के पढ़ना चाहें तो इस स्कूल के अंदर छात्रावास की व्यवस्था है और बहुत ही रिजनेबल दामों पर है। इस स्कूल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और इसका पूरा फायदा नहीं उठा सकते। तो जानिए मीरा गर्ल्स स्कूल के बारे में और देखिए यहाँ की सुविधाएं कि किस तरह से आप इस स्कूल का फायदा उठा सकते हैं। हमारे स्कूल में अभी अप्रोक्सीमेट 300 स्टूडेंट्स है एंड नियर अबाउट 15-16 स्टाफ है। ऑल स्टाफ्स आर वेल एजुकेटेड, सभी बीएड हैं। देन टीचिंग फैकल्टी अगर हम देखें तो हमारे यहाँ का बहुत ही सुपर्ब टीचिंग फैकल्टी है। ये आप पिछले 5 साल का रिजल्ट मीरा का उठा कर देख सकते हैं। मीरा गर्ल्स स्कूल क्षत्रिय संघ के द्वारा संचालित है, जिसमें आवासीय विद्यालय है ये, और अंग्रेजी माध्यम से ये 2012 से चल रही है। और मैनेजमेंट के हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि नर्सरी से लेकर के 10th तक इस विद्यालय ने अच्छा रिकॉर्ड दिया है पढ़ाई के मामले में। जैसा कि आपको सभी को पता है कि मीरा गर्ल्स स्कूल दुर्गा महिला विकास संस्थान की एक यूनिट है, और दुर्गा महिला विकास संस्थान जो है वो क्षत्रिय युवक संघ द्वारा संचालित एक संस्था है। क्षत्रिय युवक संघ का मेन उद्देश्य क्या है? लोगों को जोड़ना, लोगों को संस्कारित करना, समाज में अपना एक स्थान बताना, और हमारे इतिहास, गौरवपूर्ण इतिहास को बच्चों को बताना, और उसको आगे बच्चे कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं अपने जीवन में, वो क्षत्रिय युवक संघ का मेन कार्यक्रम होता है। और उसी से संचालित होने की वजह से मीरा गर्ल्स एजुकेशन जो है, यहाँ भी हम बच्चियों को यही शिक्षा देते हैं कि आपको सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं लेना है, उसके साथ साथ आपको वैल्यू एजुकेशन पर ज़्यादा जोर देना है। आपको अपने आने वाले जीवन में किसी भी परिस्थिति से किस तरह से सामना करना है, कोई भी आपको परिस्थिति आए तो आपको किस तरह से मेंटली मैच्योर होके उसे हैंडल करना है, ये सब कुछ हम गर्ल्स को यहाँ सिखाते हैं। ये जो विद्यालय केवल इसीलिए खोला गया था कि बालिकाओं के लिए एक अलग से ऐसी व्यवस्था हो जिसमें आज के इस बिगड़े हालात में बच्चियों को संस्कार के साथ शिक्षा दी जाए। तो हमारी यहाँ की जितनी भी बच्चियाँ हैं, जहाँ गई है आगे भी, तो उन्होंने अपना नाम कमाया है और संस्कारित होकर के यहाँ से गई है। जो बच्चियाँ यहाँ से निकल करके आगे गई है, उन बच्चियों पे हमें बड़ा गर्व है, क्योंकि वहाँ से हमारे विद्यालय के लिए जो प्रशंसनीय बातें आती है उससे हम भी गौरवान्वित होते हैं। एजुकेशन आपको सब जगह मिलेगी, नो डाउट, एजुकेशन हब है सीकर, हर जगह आपको एजुकेशन मिलेगी, लेकिन एजुकेशन के साथ जो वैल्यू एजुकेशन होती है वो हमारे स्कूल में द बेस्ट है। गर्ल्स हमारे यहाँ हॉस्टल में भी रहती है, हॉस्टल की गर्ल्स नियर अबाउट 10 ईयर्स यहाँ कंप्लीट करके गई है। वैल्यू एजुकेशन का अगर हम यहाँ देखें तो हमारे यहाँ जो भी आपका इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो भी फेस्टिव आते हैं, हम उसको उस फेस्टिव की हमारी संस्कृति के अनुसार ही उस फेस्टिव को हम सेलिब्रेट करते हैं। हम बच्चों को ये भी बताते हैं कि इस फेस्टिव के पीछे आपके क्या रीजंस हैं, क्या आपके लॉजिक जुड़े हुए हैं, क्या आपके साइंटिफिक लॉजिक जुड़े हुए हैं, हम ये फेस्टिव क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों को बताई जाती है। मीन्स कि बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ कर रखा जाता है। स्कूल की व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल नॉर्मल फीस है, उसके साथ में संस्कार निर्माण का काम मुख्य उद्देश्य है। स्पोर्ट्स के लिए यहाँ क्रिकेट और अन्य जो खेल है उनके लिए व्यवस्था है, और 3 एकड़ जमीन में ये बनी हुई है, जहाँ कम से कम 2,000-2,500 बच्चियाँ पढ़ने की व्यवस्था है। बड़े बड़े 30x35 के कमरे हैं, कंप्यूटर रूम है, और प्रशिक्षित सारे टीचर्स हैं। 95% टीचर्स जो है वो लेडीज है, और आवासीय व्यवस्था जहाँ है वहाँ करीब 150 बच्चियों के रहने की व्यवस्था है, और केवल स्कूल के अलावा बाहर की जितनी भी बच्चियाँ हैं वो भी यहाँ अन्य स्कूलों में जाती है पढ़ने के लिए, तो उनके लिए गाड़ी का आने जाने की व्यवस्था है। और मात्र स्कूल की जो फीस है वो 10th की 28,000 है, नर्सरी की 15,000 है, 15,000 और 28,000 के बीच में 17, 18, 20, 22 ऐसे क्लास के हिसाब से है। इसके अलावा
इसमें किसी भी प्रकार का और अन्य खर्चा नहीं लिया जाता है केवल फीस के अलावा। हमारे यहाँ शूटिंग भी करवाई जाती है बच्चों को, राइफल शूटिंग भी करवाई जाती है। हमारे यहाँ से जो टीम है वो खो खो की टीम भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गई है। इसके अलावा हमारे यहाँ बच्चों को हम क्रिकेट, गर्ल्स क्रिकेट एकेडमी जो है वो भी हमने बना रखी है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम इन फ्यूचर प्लान करने वाले हैं। त्रिवेक संघ के द्वारा केवल संचालित है बल्कि सारे समाज के तो टीचर हैं और सारे समाज के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप समाज की बात करें तो हमारे कंप्यूटर टीचर हैं वो मोमडंस हैं। यहाँ पे जाट भी है, माली भी है, ब्राह्मण भी है, नाई भी है, शेड्यूल कास्ट की भी है। सब टीचर्स जो क्वालिफाइड है वो सब टीचर क्वालिफाइड के हिसाब से रखे जाते हैं, केवल ये नहीं भाई जाति के आधार पर है। अगर हम रिजल्ट की बात करें, बोर्ड रिजल्ट की बात करें, तो हमने 5 जो है 2007 से लेके 17-18 से लेके सेशन 2021-22 तक 5 रिजल्ट हम दे चुके हैं बोर्ड क्लास के। हमारा जो सबसे पहला रिजल्ट था उसमें 6 गर्ल्स, वी हैव 12 गर्ल्स और अमंग 6 गर्ल्स दे गॉट गार्गी प्राइज। इन 2018 और 19 वी हैव 9 गर्ल्स, इन 10th 7 गर्ल्स दे गॉट गार्गी पुरस्कार। इन 2019-20 12 गर्ल्स आर इन 10th बोर्ड एग्जाम एंड 4 गर्ल्स दे गोट अबाउट 90% रिजल्ट एंड 9 गर्ल्स दे गोट अबाउट 75% मीन्स दे गोट गार्गी पुरस्कार। 2020-21 11 गर्ल्स आर देयर, 9 गर्ल्स दे गोट अबाउट 90% एंड 1 गर्ल शी गोट 100% रिजल्ट। And 2021-22 there are 22 girls in our school, 10th board class, 2 girls about 90% and 13 girls they got Gargi Puraskar। ये हमारा बोर्ड का रिजल्ट है। इसके अलावा 2018 और 19 में एक हमारी बच्ची थी शीतल शेखावत जो हमारे ब्लॉक टॉपर रही है। इसके अलावा हमारे यहाँ से जो भी बच्चियाँ बोर्ड से पास आउट होके गई है 10th के बाद में, जहाँ भी जिस स्कूल में गई है या जिस कॉलेज में गई है, हमारी एक बच्ची DU कॉलेज में है, DU कैंपस में है, हमारी 2 बच्चियाँ सोफिया कॉलेज अजमेर में है, जहाँ भी बच्चियाँ हैं उन्होंने बहुत अच्छा अचीव किया है। नॉट अबाउट इन करिकुलर एक्टिविटी, को करिकुलर एक्टिविटी ऑल्सो हमारे बच्चे डिबेट कॉम्पिटिशन में हर साल जाते हैं, हमारे बच्चे योगा सेशन में यहाँ से जो भी जाते हैं, स्पीच कंपटीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो भी होता है वहाँ उन्होंने बहुत अच्छा एप्रिसिएशन लिया है, अच्छे प्राइज उन्होंने लिए हैं। श्री क्षत्रिय युवक संघ की आनुवंशिक संस्था दुर्गा महिला विकास संस्थान द्वारा संचालित मीरा गर्ल्स स्कूल एक आवासीय विद्यालय है। इस विद्यालय में बालिकाओं के रहने के लिए छात्रावास बना है। छात्रावास में रहने व भोजन की अच्छी व्यवस्था है। इस छात्रावास की खास बात यह है कि सीकर के अन्य स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाएं भी यहां रह सकती है, उनके लिए अन्य विद्यालयों में आने जाने की व्यवस्था भी है। वर्तमान में 150 बालिकाओं की क्षमता वाले छात्रावास में महज 65 बालिकाएं रहती है, जबकि यहां की फीस निजी छात्रावासों से आधी से भी कम है। विद्यालय की क्षमता 2000 छात्राओं से ज़्यादा है, पर अफसोस जानकारी और जागरूकता के अभाव में अभिभावक इस सस्ते और बढ़िया पढ़ाई वाले विद्यालय का फायदा ही नहीं उठा पा रहे, इसलिए इस वक्त विद्यालय में महज 300 छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, विद्यालय श्री क्षेत्रीय युवक संघ की संस्था द्वारा संचालित है, पर इस विद्यालय में हर जाति वर्ग की छात्राएं पढ़कर इसका फायदा उठा सकती है। विद्यालय में अध्यापक और अध्यापिकाएं भी काबिलियत के आधार पर ही हर जाति वर्ग से हैं। तो ये थी नाथाउतपुरा स्थित मीरा गर्ल्स स्कूल की जानकारी। आशा है अब जानकारी मिलने के बाद आप इस विद्यालय का फायदा उठाएंगे और अपनी लाडली को संस्कारित शिक्षा देने के लिए यहाँ प्रवेश दिलाएंगे। ये स्कूल सीकर बाईपास पर बसे नाथाउतपुरा गांव में स्थित है, जो एकदम सीकर के पास ही है। सीकर शहर के अन्य विद्यालयों में पढ़ने वाली गाँव की छात्राएँ भी यहाँ के छात्रावास का फायदा उठा सकती है। अन्य स्कूलों में आने जाने के लिए यहाँ हर बड़ी स्कूल की बसें आती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संघ शक्ति।